एक बहुत पुराने कमरे में आ चुका हूँ। उसकी छत देखो कितनी पुरानी छत है, मुझे थोड़ा सा डर सी लग रही है। अली भाई कोई देख रहा है? हाँ उधर देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये खंडहर है पूरा, और मैं यहाँ पर आया हूँ किसी से मिलने। जैसा कि लोग बताते हैं कि यहाँ पर जिन्नात रहते हैं, ये जिन्नातों की बस्ती है। तो अभी तक मुझे यहाँ पर जिन्नात दिखा नहीं है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक शायद जिन्नात। अस्सलाम वालेकुम, ये मिल गए हमको जिन्नात, हमारा जिन्नात भाई। कैसे हैं आप? कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? मैं यहाँ 5-6 सालों से रह रहा हूँ बस। लेकिन लोग तो कह रहे हैं 100 साल से ऊपर हो चुका आपको यहाँ रहते हुए। नहीं, लोग कहते हैं मगर हाँ। ये गलत बोलते हैं। तो शेविंग किधर करवाते हैं आप? बाल किधर कटिंग करवाते हैं? देखिए कुछ मैंने नहीं किया है। देखिए आप तो आपका खाना पीना क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं ना, हवा पानी बस यही सब। यही है तो आपको मैं टच कर सकता हूँ? क्यों नहीं। हाँ यार, ये तो इंसान है यार, आप जिन्नात के इंसान हो आप? मैं तो इंसान हूँ अभी फिलहाल, अभी इंसान बन गया। अच्छा अभी अभी शाम नहीं हुई है, ये 7 बजे के बाद ये जिन्नात बनेंगे। 7 का मतलब ये रात हो जाएगी तब ये जिन्नात बन जाएंगे। तब मुझसे मुलाकात करेंगे आप और मेरे व्यूवर्स को बताएंगे आप कि आप जिन्नात हैं आप? क्यों नहीं, चलिए जरूर। साथ में आपको भी मैं बनाऊंगा ना? नहीं नहीं भाई, बहुत बहुत मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, कि भरोसा नहीं इसका मुझे, ये जिन्नात बना रही है। ये देखो अब ये बहुत पुराना घर है और मैं चल रहा हूँ इसके अंदर, देखूँ इधर क्या है। बहुत छोटा सा कमरा लेकिन छत भी नहीं है इसकी। देखो कितना पुराना खंडहर है, ये पूरा खंडहर बन चुका है। और इधर एक कमरा है जिसका दरवाज़ा खुल रहा है, बंद हो रहा है। ये सामने वाला देखो आप दरवाज़ा, ये इसका हिल रहा है, देखो आप दरवाज़ा हिल रहा है। कोई है? ये देखो आप, और इधर ये एक है। कितने पुराने घर हैं। तो आई थिंक बहुत ही पुराने पुराने मकान हैं यहाँ पे। लोगों का कहना कि यहाँ पे जिन्नात है, लेकिन देखता हूँ, इसीलिए मैं शाम में ही आ गया हूँ ताकि रात तक मैं आपको पूरी वीडियो दिखा सकूँ। इधर देखो ये मकान गिर चुका है, इधर देखो मकान। अभी हम लोग इधर दीवार पर चल रहे हैं और इधर पुराने मकान देखो। तो अभी कहाँ ले चल रहे हैं? अंदर चलते हैं थोड़ा सा। तो उधर कौन रिश्तेदार आपका? कोई रिश्तेदार है? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है। हाँ कुछ लोग पड़ोसी वगैरह हैं। तो हमसे मुलाकात करवाएंगे? हाँ, ये अंदर है। तो ये देखिए, ये है एंट्री। तो चलिए सरकार आगे चलिए आप। तो ये है एंट्री और कितना पुराना पुराना मकान है। तो यहाँ रहते कैसे हो यार, बिना लाइट के आप लोग? यार रह लेते हो? अच्छा हाँ, आप लोगों के टाइम पर लाइट नहीं रहती थी ना। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, अगर आप यहाँ रात में आते हो तो पक्का आप डर जाओगे। भाई आपका घर भले है लेकिन हम अंदर नहीं जा पाएंगे, आ जाओ तो। हमें डर लगती है भाई। अरे कोशिश तो करो भाई। तो ये हम अंदर आ गए हैं। मंगर दू रिकॉर्डिंग, आपके दोस्त लोग नाराज हो जाएंगे। तो अभी एक मकान से मैं बाहर आ गया हूँ और आगे चल रहा हूँ। यहाँ बहुत से पुराने पुराने मकान, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अभी है सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा, तो मैं शाम तक मुझे रुकना पड़ेगा शायद मुझे जिन्नातों से मिलने के लिए। तो देखो कितने पुराने पुराने मकान हैं यहाँ पे। इसका नाम है जजीरत अलहामरा, जो कि रास अल खैमा में है। एक छोटा सा कुआं है लेकिन ये कुआं नहीं रहा अभी। आप देखो नीचे पूरा मट्टी पड़ चुकी है इसके अंदर। तो
तो अभी आप इधर देखो कितने पुराने मकान में, यहाँ जितने मुझे मकान दिख रहे हैं सब आई थिंक 100 साल से ऊपर के होंगे। ये देखो जैसे आप जिसमें यूज किया गया, देखो आप क्या यूज किया गया है। ये समुद्र में जो जो सीप निकलती है वो है, उसी से बना समुद्र की सीप है। और आई थिंक कुछ जो भी मटेरियल यूज किया गया वो आज के जमाने बिल्कुल यूज नहीं किया जाता, लेकिन बहुत ही मजबूत है। ये देखो आप बहुत ही मजबूत है। आइए आपको दिखाते हैं एक से पुराने पुराने मकान। और तो देखिए शुरुआत में ही एक कुआं बंद हो चुका है, इस वक्त मिट्टी भर चुकी है। और आगे देखते हैं पुराने मकान। यहाँ पर एक छोटा सा कमरा है, उसके अंदर भी एक छोटा कमरा है। आई थिंक हो सकता है ये किचन रहा होगा किसी जमाने में। छत देखो आप, पुरानी छत है, लकड़ी की छत बनी हुई है। कितना खतरनाक लग रहा है। और साथ में देखो आप, साथ में ये कमरा है, दो कमरा है। जो आवाज आ रही है हमारे जो जिन्नात है जिनको मैंने अपॉइंट किया हुआ है वीडियो बनाने के लिए, बहुत ही मेरी मदद कर रहे हैं इस वक्त ये, तो ये वो आवाज वो निकाल रहे हैं। आइए जनाब बाबा। थैंक यू। अभी 7 बजने में बचा हुआ है 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा मेरे पास टाइम है इनको यूज करने के लिए। तो ये कमरा और है, छोटा सा कमरा। पहले के जमाने में कितने छोटे छोटे कमरे होते थे। इधर देखो आप, इधर रोशनदान होता है, ये रोशनदान इधर है, छोटा कमरा है, ठीक है। और इस तरह से छोटा सा किचन है, वॉशरूम। आई डोंट नो, मुझे बहुत डर लग रही है कुछ हो ना अंदर। डराओ नहीं भाई। छत देखो, पूरी लकड़ी की छत है। तो अब हम लोग यहां से निकलते हैं। तो अभी आपने ये मकान देखे, इधर के पुराने मकान देखे, तो अभी इधर भी देखो, इधर भी सेम है, लेकिन ये पूरी छत गिर चुकी है। तो अभी हम आगे और मकान देखते हैं, पुराने क्या मकान है, शायद भी हमें जन्नत मिले। और एक आगे आगे चल रहा है जो सबको बताते हुए चल रहा है, वो बड़ा जिन्नात है। तो अभी देखो चारों तरफ ही मकान है, और इधर है सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा, तो समझ में नहीं आएगा। तो अभी ये सामने देखो आप, ये मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है। देखो एकदम वीरान मस्जिद हो चुकी है। तो देखते हैं मस्जिद में, जूता उतारना पड़ेगा। जूता उतार लिया, चलते हैं अंदर। तो ये देखो आप, ये है मस्जिद, कितनी पुरानी मस्जिद है। तो आप रियलिटी में बताने वाले कि आप इंसान हैं। तो यानी मेरे व्यूवर्स को उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि ये जिन्नात नहीं, ये इंसान है। तो दोस्तों प्लीज इनको आप जिन्नात मत समझिएगा, इनको इंसान समझिएगा। अभी हम लोग खड़े हैं मस्जिद में, लेकिन मस्जिद बहुत साफ है, बहुत साफ सुथरी मस्जिद है। यानी कि जो पब्लिक यहाँ आसपास में रहती है, आई थिंक ये उसकी सफाई करती है मस्जिद की। लेकिन मस्जिद में एक सुकून है यहाँ पे। वो आप इधर कभी इसमें लाइट भी हुआ करती थी। और मेरे ख्याल से इसको छोड़ के लोगों ने यहाँ से चले गए, सुना है कि अबू धाबी वगैरह चले गए। हाँ यहाँ तो। और ये देखो, ये मेन मेहराब है मस्जिद का, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद। और देखो आप खुद देखो कितनी साफ है मस्जिद। मैं बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से, तो ये मस्जिद का दूसरा दर है। और ये छत देखो इसकी, आप मस्जिद की कितनी पुरानी छत है। हाँ तो पुरानी है ना, बहुत पुरानी है। दरवाजे से आप समझ सकते हो। ये देखो आप, ये देखो आप, पहले इसके खंबे देखो, कितने पुराने खंबे हैं। समझ जाओ कितनी पुरानी मस्जिद होगी, 100 साल से तो ऊपर है ये। दरवाजे देखो कितने पुराने दरवाजे हैं। और इधर ये कभी वॉशरूम हुआ करता था, आई थिंक इधर वजू करने का हुआ करता था। तो इधर छत देखो आप, एकदम छत गिर चुकी है। तो ये मस्जिद बहुत पुरानी है, लेकिन मस्जिद में एक रौनक है। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ मस्जिद दोबारा। तो ये देखो आप, ये मस्जिद देखो आप, ये इसकी मीनार, छोटी सी मीनार है। इधर एक खंभा लगा हुआ है, और इधर दो कमरे और बने हुए हैं। आई थिंक ये इमाम के लिए कमरे बनाए जा रहे होंगे, जो इस मस्जिद में पेश इमामी करता। तो ये है मस्जिद यहाँ की सबसे पुरानी मस्जिद। और इधर ही बहुत से मकान है, इधर देखो मकान है, इधर भी बहुत से मकान है, कुछ अरबी में लिखा हुआ है। इधर भी रास्ता है, खजूर के पेड़ दिख रहे हैं आपको। इधर भी कुछ रास्ते जाने के लिए है, ये पेड़ है बहुत पुराना।
और इधर भी देखो मकान है। तो इस तरह से यहाँ पे पुराने पुराने और छोटे छोटे मकान है, लेकिन ज्यादातर मकान जो भी है सब बोसीदा हो चुके हैं। अभी जो सामने मकान दिख रहा है, मैं इसमें चलता हूँ क्योंकि अब होने लगी है शाम, तो ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है यहाँ पे। बहुत ही पुराना मकान, एक और सीढ़ी देखो कितनी पुरानी पुरानी सीढ़ियां हैं। ये कमरा है एक, अंदर चलते हूँ, अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत ही पुराना कमरा है। तो ये देखो आप, और पुराने मकान हैं। आइए आपको ये मकान दिखाते हैं। इसमें यार लाल रंग से लकीर खींची हुई है भाई। देखो ये ताक भी है सामने। ये बहुत छोटा सा कमरा है। डरो मत भाई। आराम से करो ना। देखो कितना पुराना। नहीं तो यहाँ पे बहुत मकान है, मैं सारे मकान कवर नहीं कर सकता हूँ। यहाँ रुकना ठीक भी नहीं है क्योंकि रात होने वाली है, तो रिस्क नहीं ले सकते। देखो कितनी पुरानी बाउंड्री है ये, आप ये बाउंड्री देख के समझ जाओ कितना पुराना मकान होगा ये। तो निकलना है अब यहाँ से। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और अभी आप ये बाउंड्री देख रहे हो, तार की जो बाउंड्री है ये चारों तरफ से इसको घेर रखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ से वापस निकल रहा हूँ। तो इधर इधर देखो आप, इधर का ये एरिया था और ये है गेट जिधर से मैं गया था, और इधर ये है एक मस्जिद जिसको मैं दिखा नहीं पाया हूँ। और ये था एरिया पूरा, बहुत ही बड़ा एरिया, बहुत ज़्यादा मकान है अंदर। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो? अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, और ये हमारे जिन्नात भाई थे, जो जिन्नात नहीं हमारे इंसान है, हमारे साथ जा रहे हैं इस वक्त ये। और वीडियो थोड़ा स्केरी थी, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरी एडवाइस अगेन मैं बोल रहा हूँ, रात में मत आइएगा, दिन में ही आइएगा, क्योंकि हो रही हम लोग डर गए थे अंदर, इसीलिए तो थोड़ा सा वहशत सी लगी है। लेकिन लोगों का कहना है यहाँ पे जिन्नात है, ऐसी मुझे कोई जिन्नात वाली चीज़ दिखी नहीं है मुझे यहाँ पे कि कोई जिन्नात हो। तो एनी वे मैं शाम से पहले यहाँ से निकल रहा हूँ। देखो सूरज डूब रहा है, तो हो रही है शाम, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, आपका दोस्त अली। खुदा हाफिज़।